चारमीनार के दामन में अवाम उन्नास के लिए, जनरल पब्लिक के लिए शाम में 4 बजे से रात में 10 बजे तक वहाँ पर आवाम के लिए, खवातीन के लिए, बच्चों के लिए एक पूरा एरिया उनके लिए मुख्तसस किया जा रहा है, उनके लिए अलॉटेड किया जा रहा है। और मेरी आपसे गुजारिश है तमाम अहलियान हैदराबाद से कि वो जरूर उसमें आकर वहाँ पर शिरकत करें। जैसे द्वार को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मजाया मुशायरा होगा, छोटे बच्चों का पेंटिंग का कॉम्पटिशन होगा, वहाँ पर मुख्तलिफ फूड के स्टॉल लगाए जाएंगे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी। मकसद ये है कि एक तारीखी इमारत है, हैदराबाद की पहचान चार मीनार से है और उसके अतराफ में जितने लोगों को वहाँ पर लाया जा सके, हैदराबाद के अमन को मजबूत किया जाए, हैदराबाद की आवाम को अपने शहर और अपनी तारीफ को खूबसूरती देखने का उनको मौका मिले। और ट्रैफिक पार्किंग का इंतज़ाम भी किया गया है, आपके सरदार महल में आप गाड़ी रख सकते, पुराना जो चारमीनार बस स्टैंड है वहाँ पर आप गाड़ी रख सकते अपनी, और खिलवत ग्राउंड में, खिलवत के सामने जो पेंशन पेमेंट ऑफिस की ज़मीन है खुली, वहाँ पर आप पार्किंग रख सकते। और कोली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट स्टेडियम में भी आप अपनी पार्किंग रख सकते। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम जनरल पब्लिक और आवाम चार मीनार के दामन में आकर इतवार के दिन, संडे के दिन 17 अक्टूबर के दिन शाम में 4 बजे से रात में 10 बजे तक आएंगे और अपनी हैदराबाद की सारी इमारत के अतराफ में जो सोशल एक्टिविटीज होंगी वो उसमें देखेंगे, उसमें हिस्सा भी लेंगे। और पुलिस की तरफ से पूरा खास इंतजाम भी किया गया। आज सुबह में शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मसला एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार साहब, डीसीपी साउथ जोन और तमाम पुलिस के आलाधिकार के साथ एक तफसीली दौरा किया गया, मुआयना किया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत है और कम से कम महीने में 1-2 इतवार इस तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे चार मीनार के तरफ में। मेरी गुजारिश है पूरे आवाम से, खास तौर से बुजुर्गों से, हमारी खवातीन से, अपने बच्चों को साथ लेकर आए और ताकि एक अच्छा माहौल जो है उसको और मजबूत किया जा सके।